दोस्तों, ये कोई जादू या मैजिक नहीं है। इसके पीछे छुपा हुआ है इलेक्ट्रिकल सर्किट का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, और मेरे हाथ में ये जो आप एलईडी बल्ब देख रहे हो, ये कोई ऑर्डिनरी यानी कि साधारण एलईडी बल्ब नहीं है दोस्तों। ये एलईडी बल्ब इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ही उपयोगी साबित होता है हमारे घरों में। हमें कोई अर्जेंट काम करना हो या फिर कोई भी ऐसा काम करना हो जो बहुत जरूरी है, लेकिन अचानक जब घर की बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तब हमें बहुत ही परेशानी होती है। हम इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अचानक लाइट चली गई, अब हम क्या करें। तब हम दिया या मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन उससे इतना इफेक्टिवली हमें प्रकाश या उजाला नहीं मिल पाता, जिससे कि हमारे वो काम सक्सेसफुली नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये वो एलईडी बल्ब है जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करता है। तो दोस्तों, अब आप बोलोगे कि इसका यूज या इसका उपयोग कैसे करें। दोस्तों, ये एलईडी बल्ब आजकल बहुत से घरों में यूज भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा आज का इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि इसके बारे में आम लोगों में जो भी कंफ्यूजन या जो भी डाउट्स है वो मैं क्लियर करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा होगा ये बल्ब मैंने एक 2 रुपए के सिक्के से कैसे जलाया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मैजिक या फिर कोई जादू नहीं है। ये देखिए दोस्तों, आपको एक और बार जलाकर बताता हूँ। ये देखिए, ये बल्ब आसानी से जल रहा है। इसके पीछे दो जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट्स पर मैंने ये सिक्का लगाया। ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट्स पर सिक्का लगाने के बाद ये बल्ब देखिए दोस्तों इस तरह जल रहा है, पॉइंट्स पर सिक्का लगाने के बाद। तो दोस्तों, अगर यही ट्रिक ऐसा ही मैं दूसरे बल्ब के साथ करता हूँ, दूसरा बल्ब मतलब जो हमारे घरों में आम एलईडी बल्ब्स लगे हुए होते हैं, उनके साथ अगर ऐसा करता हूँ तो वो बल्ब नहीं जलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है एक ऑर्डिनरी एलईडी बल्ब। ये वो बल्ब था जो सिक्के से जल रहा था। इसके 2 पॉइंट्स के पीछे सिक्का लगाने से ये बल्ब जल रहा था, चालू हो रहा था, हमें उजाला दे रहा था। लेकिन इस बल्ब के पीछे हम ये सिक्का लगाकर देखेंगे कि ये बल्ब जलता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ये सिक्का लगाने जा रहा हूँ इस बल्ब के 2 पॉइंट्स के पीछे। ये देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बल्ब जरा भी चालू नहीं हो रहा है। ये देखिए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये साधारण बल्ब है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई ऑफ होने के बाद बंद हो जाते हैं। इनको हम तभी जला हुआ या चालू या ऑन कंडीशन में देख सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई ऑन हो, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आ रहा हो। लेकिन दोस्तों, ये जो बल्ब है, ये बल्ब जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई ऑफ होता है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके स्टार्ट होने के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है, एक शर्त बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इसके 2 पॉइंट्स के पीछे ये सिक्का लगाने के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इसमें एक लिथियम आयन की बैटरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में बैटरी होती है, टॉर्च में बैटरी होती है, उसी तरह इसमें एक खास किस्म की बैटरी है जो ऑटोमेटिकली चार्ज होती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये बैटरी चार्ज होती कैसे है? जब ये बल्ब आपका सॉकेट में कनेक्टेड रहेगा और जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई भी प्रेजेंट रहेगा आपके घरों में, तब ये नॉर्मल बल्ब की तरह ही चलता रहेगा। नॉर्मल बल्ब की तरह ये फंक्शन इसका परफॉर्म करता रहेगा। जैसे नॉर्मल बल्ब हमारे घरों में लाइट बिजली होने पर जलते हैं, उसी तरह ये भी जलेगा। तब साथ ही साथ इसकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। अब ये बैटरी इस बल्ब को सप्लाई कब देगी? नॉर्मल कंडीशन में ये तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सप्लाई से ही जलेगा, लेकिन जब लाइट चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई ऑफ हो जाएगा, तब ये बल्ब ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तब ये चलेगा बैकअप मोड में। हम बैकअप का यूज कब करते हैं? जब हमारा मेन रास्ता या हमारा मेन जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाता है, वर्क करना बंद कर देता है, तब हम किसी भी चीज में बैकअप का सहारा लेते हैं। उसी तरह इसमें 2 मोड है, नॉर्मल मोड और बैकअप मोड। इसकी बैटरी इस बल्ब को सप्लाई देती है बैकअप मोड में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक नियम, एक रूल हमें पता है कि जब तक सर्किट क्लोज ना हो, तब तक कोई भी डिवाइस स्टार्ट या चालू या ऑन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसके 2 पॉइंट्स के पीछे जब कोई भी मेटालिक चीज आप लगाओगे, सिक्का ही नहीं, कोई भी मेटालिक चीज, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और दोस्तों, एक और अहम बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप इसे सॉकेट में कनेक्ट करोगे बल्ब होल्डर में, तब ये
इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों इसके यूज के दौरान एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जिस भी सॉकेट के जरिए इसको सप्लाई मिला हुआ है हमारे स्विच बोर्ड से, उसका स्विच हमेशा ऑन रखिएगा, उसका बटन हमेशा चालू रखिएगा। अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे तो ये नहीं जलेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन हो या बैकअप मोड की कंडीशन हो, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी डिवाइस तभी ऑन होता है जब वो सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, तभी कोई भी बैटरी या पावर सप्लाई उस डिवाइस तक अपना सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं या क्या समझ लेते हैं कि जब लाइट जाएगी तो ये लाइट जाने के बाद इसका स्विच ऑफ करने के बाद भी ये जलता रहेगा, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। आपको चाहे लाइट हो या ना हो, इसका जो सप्लाई कनेक्शन है, वायर है, उसका स्विच ऑन करके ही आपको रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइट उसी तरह फंक्शन करता है जैसे हमारा एक नॉर्मल सेल। सेल के अक्रॉस में आप अगर एक छोटा सा बल्ब कनेक्ट करते हो वायर के जरिए, और जब दोनों पॉइंट्स पर, सेल के दोनों पॉइंट्स पर उसकी वायर लगाते हो, तब वो लाइट जलेगा। लेकिन आप एक भी टर्मिनल की वायर हटा लेते हो, सर्किट को ओपन कर देते हो, तो वो लाइट ऑफ हो जाएगा, वो लाइट जलना बंद हो जाएगा। उसी तरह जब इस बल्ब के दोनों पॉइंट्स पर कोई भी मेटालिक चीज कनेक्टेड होती है एक साथ, तब इसकी बैटरी के अक्रॉस में जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बैटरी इस बल्ब के सर्किटरी को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करती रहती है कंटिन्यूसली, और ये बल्ब जलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सिर्फ इसके पीछे कोई सिक्का लगाने से ही नहीं, बल्कि कोई भी मेटालिक चीज अगर आप इसके पीछे, इसके दोनों पॉइंट्स के पीछे लगाते हो कंटिन्यूसली, तो ये बल्ब जलता रहेगा। अभी आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक टेस्टर, ये तो आप सभी ने देखा ही होगा, बहुत से लोगों के यूज में तो ये डेली ही आता होगा, आमतौर पे ये हमारे घरों में होता ही है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसके दोनों पॉइंट्स के पीछे ये टेस्टर की जो क्लिप है ये लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये बल्ब के दोनों पॉइंट्स और ये टेस्टर की क्लिप, ये देखिए दोस्तों, ये बल्ब जल उठेगा। ये देखिए, ये बल्ब जल रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया कि ये बल्ब सिक्के के जरिए किस तरह जल रहा था, अब ये बल्ब टेस्टर की ये हुक या क्लिप के जरिए जल रहा है। तो दोस्तों इससे हमें एक बात यह समझ में आती है कि जब ये बल्ब होल्डर में कनेक्टेड हो तो स्विच हमेशा ऑन करके रखिएगा, स्विच ऑफ मत करिएगा, चाहे ये नॉर्मल कंडीशन में हो या फिर लाइट जाने के बाद के कंडीशन में हो। तो दोस्तों इस बल्ब के बारे में मैं आपको बहुत अहम बातें तो बता ही चुका हूँ, लेकिन अब कुछ टेक्निकल बातें बता देता हूँ। बहुत से लोगों को इस बल्ब को लेके डर भी होता है कि ये कहीं ओवर चार्ज या फिर अंडर चार्ज तो नहीं होता होगा। तो दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि ये बल्ब जब लगातार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सप्लाई से नॉर्मल कंडीशन में चल रहा होता है तो कहीं इसकी बैटरी ओवर चार्ज होने के बाद फट तो नहीं जाएगी या फिर डैमेज तो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसकी बैटरी जो है लेस होती है ओवर चार्ज और अंडर चार्ज प्रोटेक्शन से। इसमें एक ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो इसकी बैटरी को जितनी चार्जिंग काफी है उतना ही चार्ज होने देता है। जी हाँ दोस्तों, और ये बल्ब यूजुअली जनरली देखा जाए तो 8 से 10 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है, और ये बैकअप मोड में चलता है अप्रोक्सीमेटली लगभग 4 घंटे। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं आता हो तो आप इसके ये बॉक्स पर ये सब जानकारी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा इन्वर्टर लैंप। देखिए दोस्तों, इस बल्ब की डिटेल्स दी हुई है इस बॉक्स पे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा फास्ट चार्जिंग 2200 mAh लिथियम आयन बैटरी, 2200 mAh की लिथियम आयन बैटरी है दोस्तों इसके अंदर लगी हुई, और दोस्तों ये अप टू 4 hours बैकअप देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 4 घंटे ये चलता है इमरजेंसी कंडीशंस में। और देखिए दोस्तों, यह एक बहुत अहम बात लिखी हुई है, ओवर चार्जिंग एंड डीप चार्जिंग प्रोटेक्शन। जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि बहुत से लोग इसकी चार्जिंग को लेकर घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें ओवर चार्जिंग और डीप चार्जिंग प्रोटेक्शन सिस्टम दिया हुआ है। तो दोस्तों ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है, ये आपको आपके किसी भी नजदीकी इलेक्ट्रिक शॉप में आसानी से मिल जाएगा। ये इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ही यूजफुल साबित होता है, और बहुत से लोग तो आजकल इसे यूज में ला ही रहे हैं, जो साधारण एलईडी बल्ब से उनकी जगह यही एलईडी बल्ब वो यूज कर रहे हैं।
क्योंकि ये दोनों मोड में चलते हैं, ये सिर्फ सिंगल मोड में ही चलता है। लाइट जाने के बाद ये ऑफ हो जाएगा और ये लाइट जाने के बाद 4 घंटा चलता रहेगा। तो दोस्तों बस फर्क सबसे बड़ा यही है कि ये थोड़ा कॉस्टली है इन ऑर्डिनरी एलईडी बल्ब्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपको लाइट की बहुत जरूरत महसूस होती है तो आप ये बल्ब ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये एलईडी बल्ब के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।